हेलो फ्रेंड्स, आज हम दिवाली स्पेशल 5 मिनट में बनने वाली और वो भी बहुत पौष्टिक मिठाई या लड्डू कह सकते हैं, इसकी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत स्वादिष्ट भी होगा, साथ में ये बिना गैस जलाए और 5 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने एक कटोरी सत्तू लिया है फ्रेंड्स, ये एक कटोरी नारियल का बुरादा है, ये आधा कटोरी से कम घी है, इससे भी कम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये मैंने चीनी लिया है। चीनी हमेशा आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग लीजिए, और इसमें मैंने 4 से 5 इलायची रखी है जिसको हम साथ में पीस लेंगे। अगर आपके पास चीनी का पाउडर हो तो उसको ही ले लीजिए। तो हम जार में डालेंगे चीनी और इलायची, साथ में ये डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल देंगे। अब हम फटाफट से पीस लेंगे। अब ढक्कन तुरंत से नहीं खोलेंगे, नहीं तो ये पाउडर की तरह उड़ने लगता है चीनी। इसे हम खोलेंगे, ये देखिए डेसिकेटेड कोकोनट इसी के साथ पीस देने से अच्छे से ये बाइंड हो जाता है। निकाल लेंगे बड़ी थाली चाहे किसी बड़े से बाउल में। अब इसमें हम डालेंगे सत्तू और घी भी डालेंगे और अच्छे से हम मिलाएंगे इसको। आप घी की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो उसको हम अच्छे से रगड़ रगड़ के मिला लेंगे। देखिए इतने ही घी में बिल्कुल अच्छे से बंधने जैसा हो गया है, तो आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं और चाहें तो इतना घी पर्याप्त है। इससे ज़्यादा कर देंगे तो फिर बहुत ज़्यादा घी हो जाएगा और फिर ये लड्डू बहुत पौष्टिक लड्डू है। तो मिलाने में सिर्फ 2 मिनट लगा है, अब हम बांधना शुरू करेंगे। आप छोटी बड़ी जैसा बांधना चाहें वैसा फटाफट से लड्डू बनाइए। अगर आप दोनों हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं तो दोनों हाथ का कीजिए। मैं आपको दिखाती हूँ कितना फटाफट से और कितना सही लड्डू बनके ये तैयार हो जाता है। ये देखिए तो रखेंगे। अगर फ्रेंड्स आप फ्रिज का सत्तू इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको या तो पहले से निकाल लीजिए, नहीं हल्का सा उसको फिर कढ़ाई में भून लीजिएगा, नहीं पानी जैसा स्वाद आने लगेगा। तो इस तरह से हम सारा बना के रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स इधर मैं आप लोग को प्रॉपर वीडियोस नहीं दे पा रही थी, हमारी सासू माँ बहुत बीमार चल रही थी, उनका देहांत हो गया, अभी महीने भर भी नहीं हुए हैं, लेकिन अब आप लोग को कोशिश करूँगी कि वीडियोस दूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड हमारे वीडियो को लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो इस तरह से मैंने बना के रेडी कर लिया है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये 5 मिनट में बनने वाला हमारा सत्तू और नारियल के बूरे से बना लड्डू बनके रेडी है, और आप चाहें तो इसे ड्राई फ्रूट से ऊपर से सजा भी सकते हैं, नहीं ऐसे ही बहुत पौष्टिक है। तो बनाइए फ्रेंड्स, और रेसिपी समझ में आए तो लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।